Hello students, welcome once again. Today we are going to discuss cognitive development and cognitive development which has been provided us by Bruner. तो मतलब हम लोग पीआर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं. पहले पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हम लोगों ने पढ़ लिया था और ब्रूनर का पढ़ना है हमको. तो हमको ये देखना है जब हम पढ़ते रहेंगे ब्रूनर को कि कहाँ कहाँ पियाजे और ब्रूनर एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं, और कहाँ कहाँ वो एक दूसरे से असमान है. तो शुरू करते हैं कि ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है. तो ब्रूनर ने ये कहा कि जेरोम ब्रूनर रिगार्डेड द एम ऑफ एजुकेशन एज बीइंग द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस लर्नर्स हु हैड लर्न हाउ टू लर्न. मतलब ब्रूनर के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य ये था कि हम ऐसे स्वायत्त सीखने वाले अधिगमकर्ता उत्पन्न कर सकें जो ये सीख जाएं कि कैसे सीखा जाता है. यानी कि हमको सिर्फ छात्र को ये सिखाना है कि सीखना कैसे, तो वो सब कुछ सीख सकता है. सीधी सी बात से फिटती है. और जैसे पियाजे ने हमको चार स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, उसी तरह से ब्रूनर ने भी बताया, पर उन्होंने उसका नाम दिया है मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक, तो एक बात यहाँ बताने वाली है कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिस्कस थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो आपको पता नहीं होगा अगर कि ब्रूनर ने दिया है तो आप सोचते रह जाएंगे कि आपको उसमें लिखना क्या है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रूनर ने रिप्रेजेंटेशन की और मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो वहां पे आप इसका जिक्र करेंगे. तो क्या है वो तीन मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. पहला मोड वो बताते हैं इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिम्बॉलिक. जो इनएक्टिव है उसका टाइम स्पैन है 0 to 1, यानी कि एक वर्ष तक बच्चा इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में रहता है. और किस पर बेस्ड है? एक्शन बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्शन. फिर जब वो दूसरे स्टेज में जाता है, दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जाता है, उसका नाम है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन. इसका समय अंतराल उन्होंने बताया है 1 to 6, और ये आधारित किस पर है? बेस्ड ऑन इमेजेस, मतलब चित्र पर आधारित है. और उसके बाद जो थर्ड और लास्ट रिप्रेजेंटेशन है उसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और वो 6 और 6 वर्ष की उम्र से अधिक है. और किस पर आधारित है? भाषा पर आधारित है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है क्या? मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर वेज, मतलब वो तरीके हैं. कैसे तरीके? जिनके थ्रू ह्यूमंस स्टोर एंड इनकोड नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन दी मेमोरी. मतलब स्मृति में मनुष्य किस तरीके से संग्रहित करता है, किसको? नॉलेज को, ज्ञान को, या इंफॉर्मेशन सूचना को कैसे संग्रहित करता है, कैसे उसको इनकोड करता है, इसके तरीके हैं कौन? मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. और कैसे कैसे समय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक. ठीक, लेकिन एक खास बात ब्रूनर ये कह देते हैं कि ब्रूनर्स मोड्स आर ओनली लूजली सीक्वेंशियल, मतलब कि वो उतने फिक्स्ड नहीं है जैसे कि किसका है? पियाजे का. ठीक, फिर फिर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में इनएक्टिव को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो इनएक्टिव का 0 to 1 है. तो इनएक्टिव में है क्या? दिस मोड इन्वॉल्व्स इनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है? एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरेज इन अवर मेमोरी. यानी एक वर्ष तक का बालक के स्मृति में जो मेमोरी, स्मृति में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कैसी होती है? एक्शन बेस्ड मेमोरी, या इसको कहीं कहीं मस्कुलर मेमोरी का भी नाम दिया गया है. ओके जैसे पियाजे ने भी क्या बात की थी, जो फर्स्ट स्टेज थी उनकी वो क्या थी? सेंसरी मोटर थी. सेंसरी मोटर मतलब बालक की संवेदी और अपनी पेशीय क्रियाओं द्वारा वो कोई एक्शन करता है या समझने की कोशिश करता है. वही बात ब्रूनर में भी, ब्रूनर कहते हैं कि जो हमारा पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्शन बेस्ड होता है, और हमारी मेमोरी क्या होती है? एक्शन बेस्ड या मस्कुलर मेमोरी होती है. उसके बाद जब हम दूसरे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं जिसका कि नाम आइकॉनिक है, और उसका समय अंतराल है 1 to 6. ये आप जानते हैं कि 1 to 6 ये फिक्स नहीं होता, ये मतलब मूवेबल है अपनी पोजीशन से. तो आइकॉनिक क्या है? बता दिया क्या है? इमेज बेस्ड, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे चीजों को समझने के लिए अगर हमको उसके पैरेलल चित्र भी मिल जाता है तो हमको वो चीजें बेहतर समझ में आती हैं. इसीलिए हम लोगों से कहा जाता है ना कि हम लोग जब लिख रहे हैं तो हम डायग्राम भी बना दें, या हम सिर्फ डायग्राम समझ जाते हैं तो हम उसका एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं. तो यही कह रहे हैं कि दिस इज द एबिलिटी टू स्टोर अ मेंटल पिक्चर इन द माइंड्स आई, यानी कि हम अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं किसी भी मेमोरी को स्टोर करने के लिए. When learning a new topic, it can be helpful to use pictures and diagrams to support verbal explanations. जो बात आपसे कही जा रही थी कि हम कुछ बोल रहे हैं उसको हम अगर सपोर्ट भी कर दें किसी डायग्राम के थ्रू तो उसकी मेंटल इमेज ज्यादा प्रभावी हमारे मस्तिष्क में बन जाती है. और उसके ऊपर क्या है? सिंबॉलिक. सिंबॉलिक के लिए उन्होंने टाइम स्पैन क्या बताया?
7 years and above. और symbolic क्या है? This more sophisticated mode is the last to develop. यानी कि ये सबसे बाद में develop होगा. पहले inactive होगा, फिर iconic होगा, फिर symbolic होगा. And is more flexible. और क्या होगा? लचीला होगा. क्यों? And is more flexible than the previous two modes. यानी कि पहले के जो दो मोड हैं, उनसे ये ज़्यादा लचीला है. फिर ये क्या आधारित है? किस पर आधारित है? ये भाषा पर आधारित है. मोस्टली वाया द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा पर आधारित है. और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी? इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग कोड्स एंड सिंबल्स. यानी कि अब हम अच्छा से बालक में अच्छी तरीके से भाषा का विकास हो चुका है और अब जो कोई इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है वो या तो कोड्स पर या सिंबल्स पर आधारित है. इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम छोटा बालक है, 7 साल का, 7 साल से अबव का बालक है, तो हम वो जितने भी चौपाए हैं या 4 पैरों वाले उसके पशु होते हैं, वो जैसे उसने उसको कैसा सिंबल बना लिया, कैसा लैंग्वेज, कि वो डॉग से हम उसको क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी उसकी शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन क्लास ऑफ एनिमल. सर्टेन क्लास का मतलब वो जो उनको गली में इजीली दिख जाते हैं, वो जो चारों पैरों से चलते हैं इस तरीके के. तो वो जरूरी नहीं है कि डॉग ही हो, लेकिन डॉग से मिलता जुलता कोई भी हो तो उनको उन्होंने सिंबल बना लिया. तो उस सिंबल को क्या कहते हैं? सच सिंबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड. मतलब जैसे जैसे उनका कंसेप्ट फॉर्मेशन होता जाएगा, वैसे वैसे वो सैम्पल्स में, सिंबल्स में क्या होगा? मैनिपुलेशन होगा. सॉर्टेड छांटे जाएंगे, क्लासिफाइड वर्गीकृत किए जाएंगे. सो द लर्नर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूजिंग ओनली एक्शंस और इमेजेस, है ना. यानी कि सिर्फ एक्शन पर आधारित अब उसकी मेमोरी नहीं है, सिर्फ इमेज पर आधारित नहीं है, बल्कि सिंबल, कोड, लैंग्वेज बेस्ड है. ठीक, तो ये कौन सा है? सिम्बॉलिक हो गया. तो ये तो बात हुई मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की. तो जब हम ब्रूनर पढ़ रहे हैं तो हम ब्रूनर को इन टोटैलिटी पढ़ लें कि कहां कहां पे ब्रूनर का नाम आया है, किस किस बारे में ब्रूनर ने बात की, हमको सब पता होना चाहिए. तो ब्रूनर ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात की है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रूनर ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे क्या बात की है. क्या बात की है? कि ब्रूनर्स थ्योरी ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म एनकंपासेस द आइडिया ऑफ लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस, है ना. कंस्ट्रक्टिविज्म ये बात करते ही है कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सक्रिय प्रक्रिया है. और किस, कौन इसमें सक्रिय रोल प्ले कर रहा है? लर्नर. वेयर इन दोज लर्निंग आर एबल टू फॉर्म न्यू आइडियाज बेस्ड ऑन व्हाट देयर करंट नॉलेज इज एज वेल एज देयर पास्ट एक्सपीरियंस. यानी कि जो लर्नर होता है वो जब अपनी लर्निंग या जो अपनी जो हमारा नॉलेज का फील्ड है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, तो इस पर तो निर्भर करता है कि वो आज क्या पढ़ रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि वो क्या पढ़ कर रहा है. A cognitive structure is defined as the mental processes which offer the learner the ability to organize experiences and derive meaning from them. यानी कि experiences जो हमने पूर्व अनुभव हुए हैं, इसीलिए हम लोग जब टीचिंग लर्निंग सीखते हैं बीएड कॉलेजेस में, तो हमको बताया जाता है ना कि जो हमारा प्रश्न होना चाहिए वो पूर्व ज्ञान पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि उससे रिलेट करके बच्चा सीख सके. तो लर्निंग क्या होगी? बेहतर होगी. इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म भी ये मानते हैं कि जो हम आज लर्निंग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी, उसका बेस जो होता है वो क्या होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. तो ये बात ब्रूनर ने की है, इसलिए ब्रूनर को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है. अच्छा, फिर और कहां ब्रूनर का नाम आता है? ब्रूनर ने जिक्र किया है स्पाइरल करिकुलम का. तो हो सकता है कभी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पाइरल करिकुलम, आप क्या समझते हैं स्पाइरल करिकुलम से, तो आपको पता होना चाहिए क्या समझते हैं. ब्रूनर ने बताया, क्या बताया उन्होंने? ब्रूनर बिलीव्ड ऑल चिल्ड्रन वर केपेबल ऑफ ग्रास्पिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन. ब्रूनर ये मानते हैं कि सभी बच्चे, सभी बालक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल सूचनाओं को भी ग्रास्प कर सकते हैं. एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली, यानी वो ये कहते हैं कि किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि किसी भी छात्र को, स्टेज कोई सी भी हो, आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा सकते हैं. यहाँ पर ये पियाजे से थोड़ा डिफर कर रहे हैं, क्योंकि पियाजे मान के चलते हैं ना कि स्टेजेस हमारे फिक्स हैं और जब तक हम फॉर्मल ऑपरेशनल पे नहीं पहुंच जाएंगे हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं सीख पाएंगे. लेकिन यहाँ पर ये पियाजे से डिफर कर रहे हैं कि नहीं, स्टेज कोई भी हो, लेकिन अगर हम कोई इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम किसी भी बच्चे को कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा सकते हैं. This idea underpins his concept of spiral curriculum. ये जो इनका विचार था कि किसी भी बालक को किसी भी स्टेज पर कोई भी चीज पढ़ा सकते हैं, उसी ने धारणा रखी किसकी? Spiral curriculum की. Spiral curriculum क्या है? देखिए, spiral curriculum ऐसे बनेगा ना, तो नीचे की तरफ जो सर्कल है वो छोटे हैं और ऊपर की तरफ जो सर्कल है वो बड़े होते जा रहे हैं. तो वो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन टू फर्स्ट टीच कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म. यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को पढ़ाने का तरीका ये है कि हम उसको पहले सरल रूप में पढ़ाएंगे,
है ना, एंड लेटर रीविजिटिंग देम इन ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म. मतलब ये चक्कर है जब घूम के फिर हम उसी चक्कर पे आएंगे तो रीविजिट करेंगे, लेकिन अब उसको कॉम्प्लेक्स रूप में पढ़ाएंगे, फिर रीविजिट करेंगे और फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ाएंगे. इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बच्चे को सिखा सकते हैं. बस हमारी शर्त यह है कि हम करिकुलम को ऐसे डिजाइन करें कि वो स्पाइरल शेप ले ले, यानी कि चीजें कॉन्सेप्ट्स रीविजिट करें थोड़ी देर, थोड़े समय बाद, एक क्लास के बाद, दूसरे क्लास के बाद, इस तरीके का मतलब. All subjects would therefore be taught at gradually increasing levels of difficulty. तो यहाँ पर हमारा educational implication का भी आ जाएगा topic कि वो कह रहे हैं कि इसीलिए होता है ना पाठ्यक्रम कैसे रह जाता है, पहले सरल फिर उसके बाद कठिन topic रखे जाते हैं उसमें. ठीक, अच्छा, तो principles भी हैं कुछ spiral curriculum के. किन सिद्धांतों पर उनका ये spiral curriculum based है? तीन principle है. पहला क्या है? cyclical, यानी कि ये चक्रीय होगा. चक्रीय कैसे होगा? स्टूडेंट शुड रिटर्न टू द सेम टॉपिक सेवरल टाइम्स थ्रू आउट देयर स्कूल कैरियर. मतलब एक टॉपिक पढ़ने के बाद उनको स्कूल कैरियर में कई बार वो टॉपिक रिवाइज होना चाहिए ताकि मतलब उसकी पैठ गहरी हो जाए. फिर इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब ईच टाइम अ स्टूडेंट रिटर्न्स टू द टॉपिक इट शुड बी लर्नड एट अ डीपर लेवल एंड एक्सप्लोर मोर कॉम्प्लेक्सिटी. यानी कि एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें डेप्थ होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाना चाहिए. ये किसका प्रिंसिपल है? स्पाइरल करिकुलम का. और प्रायर नॉलेज, मतलब अ स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज शुड बी यूटिलाइज व्हेन अ टॉपिक इज रिटर्न. यानी कि जब हम घूम कर फिर उस टॉपिक को पढ़ने आते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उसको उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होगा सो दैट कि फाउंडेशन जो बने वो बेहतर बने. ओके, और ब्रूनर कहाँ पे हम पढ़ते हैं? ब्रूनर का नाम कहाँ आता है? डिस्कवरी लर्निंग पे. यानी कि डिस्कवरी लर्निंग अगर आपसे पूछें तब भी आप ब्रूनर का नाम बताएंगे. क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि ब्रूनर प्रपोजेस दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया. एंड डू दिस बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कोडिंग सिस्टम. ब्रूनर ने कहा, ब्रूनर बिलीव दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप अ कोडिंग सिस्टम इज टू डिस्कवर इट रादर देन बीइंग टोल्ड बाय टीचर. डिस्कवरी लर्निंग है, यानी कि छात्र को खुद डिस्कवर करके सीखना है. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि छात्र तब बेहतर सीखता है जब वो खुद डिस्कवर करके सीखता है, बजाय इसके कि जब उसको उसका शिक्षक बता देता है उससे बेहतर वो तब सीखता है जब वो खुद खोज कर सीखे. The concept of discovery learning implies that students construct their own knowledge for themselves, है ना? तो ये constructivist approach है ही कि knowledge को खुद construct करेगा, खुद discover करेगा. Teacher का role क्या है? Teacher का role यहाँ moderator का है, teacher का role यहाँ facilitator का है, teacher का role यहाँ instructor का नहीं होना चाहिए. According to whom? According to Brunner. और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की. फायदा क्या क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, क्यों हम ब्रूनर को पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहली बात, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द लेवल ऑफ द लर्नर, है ना? ये बात पियाजे भी कह रहे हैं कि लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे. फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. यानी कि पहले हम सरल टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक कैसा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे. तीसरा क्या, कि हमको उसके करिकुलम निर्माण में ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की प्रीवियस लर्निंग यूटिलाइज हो रही हो. फिर लर्निंग कैसे रखेंगे, डिस्कवरी लर्निंग हो. टीचर का रोल क्या होगा, बजाय इंस्ट्रक्टर के मॉडरेटर या फैसिलिटेटर का होगा. और स्टूडेंट को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो डिस्कवरी कर सके. इसका मतलब कि हमारी लाइब्रेरी, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए है वो डेवलप होना चाहिए. और टीचर्स शुड प्रोवाइड फीडबैक दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन. यानी कि हमको छात्र को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए कि तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें मेडल मिलेगा, बल्कि इसलिए कि तुम फर्स्ट आओगे इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन अंदर से आए कि आप अचीव कर लेंगे तो आपकी लर्निंग हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे चीजों को. मतलब मोटिवेशन इंट्रिंसिक होना चाहिए, मेटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. तो ये सब बातें क्या है, हमको कहाँ से मिलती है? ब्रूनर से मिलती है, कि ब्रूनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उनसे हम ये शैक्षिक निहितार्थ निकाल सकते हैं. ठीक, तो हम लोगों ने आई थिंक ब्रूनर को पढ़ लिया. ब्रूनर के क्या मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है? तीन, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक. उन्होंने क्या बताया, स्पाइरल करिकुलम. स्पाइरल करिकुलम में एक जिक्र वो और करते हैं, स्कैफोल्डिंग का. और स्कैफोल्डिंग इनका जो कंसेप्ट है वो वाइगोट्स्की के ZPD से मिलता है. ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो स्कैफोल्डिंग हो गया, स्पाइरल करिकुलम हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, और आपका एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर, है ना? तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ब्रूनर इन टोटैलिटी. ओके, चलो.